What's up everybody, welcome back to another vlog and आज की वीडियो में भाई अपने पास है MT-15 2022 भाई साहब, मतलब एक न्यू मॉडल ऐसी मॉडिफाइड कोई करवा दे तो क्या ही गजब है। एंड इसकी एक प्रोफाइल देखो कितनी प्यारी सी लग रही है यार, मतलब सच में कोई ऐसे पेंट होते हैं, ऐसे कलर होते हैं ना जिसमें दिल आ जाता है एकदम से। एंड ये छोटा सा ग्राफिक्स कितना अच्छा लग रहा है, एंड ये यामाहा का लोगो, एंड बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसके अंदर मॉडिफाई करवाई गई हैं। तो गाइस आज आपका भाई आपके लिए लेके आ गया है न्यू यामाहा MT-15 भाई मॉडिफाइड वर्जन 2। एंड देखो कितनी तगड़ी लग रही है लिटरली, मतलब इतनी प्यारी, इतना तगड़ा फेस लग रहा है इसका। ये देखो सामने से एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो सामने से इतनी प्यारी लग रही है, मतलब एक आपके पास एक मतलब प्यारी सी बीस्ट आज हमको मिल चुकी है। एंड इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या क्या मॉडिफिकेशन आज इसमें करवाया हुआ है, एंड इसको राइड भी करके हम लोग देखेंगे। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। ज़्यादा इतना कुछ बताने का मन कर रहा है ना, इससे पहले मैं और भी ज़्यादा कुछ बताऊँ तो पहले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, देन उसके बाद सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ यामाहा MT-15 के बारे में। सो गाइस जल्दी वीडियो को लास्ट तक देखते रहो एंड लाइक सब्सक्राइब सब कुछ ठोक दो क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एंड इसकी प्रोफाइल वगैरह मैंने आपको दिखा दी, देखो एक पीछे से भी मैं दिखा देता हूँ कितनी प्यारी लग रही है। सो लेट्स इसको एक बार छोटा सा मतलब लेट्स स्टार्ट गाइस, मतलब सच में इतनी खुशी हो रही है मेरे को इसको बस चलाने का मन कर रहा है कि मैं इसको जल्दी से भगाऊँ थोड़ा सा। सो लेट्स स्टार्ट गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहीं से। सो 1 2 3 लेट्स गो। I am riding now Yamaha MT-15 fully modified and भाई आज मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ कि क्या ये बीस्ट है एंड क्या मज़ा आने वाला है इसको चलाने में, एंड मतलब मैं इसके बारे में क्या क्या इसमें चेंजेस करवाए हैं, क्या क्या मॉडिफिकेशन करवाई है इसके अंदर। एंड ये जो भाई कलर है ना, इतना मतलब कूल लग रहा है ना, धूप के अंदर इतना ज़्यादा चमक रहा है कि मज़ा ही आ जाता है सच्ची में। सो लेट्स चेक इट आउट गाइज, लाइक सब्सक्राइब ठोक दो क्योंकि मज़ा आने वाला है, इसको हम थोड़ा सा चलाएंगे देन उसके बाद मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ कि क्या क्या मॉडिफिकेशन इसके अंदर करवाए हुए हैं। भाई साहब पैसा पैसा हो तो क्या नहीं हो सकता, एंड इतनी प्यारी बना दी है ये, बहुत ज़्यादा कूल। एंड इसको हम भगाएंगे, भगाने के बाद भाई इतने स्पीड इतनी कूल पकड़ रही है ना ये, मज़ा ही आ जाता है इसको भगाने में, देख रहे हो मतलब सुपर भाई, सुपर से ऊपर यार मज़ा आ जाता है इसको भगाने में, देख रहे हो इतनी कूल, मतलब इतना मज़ा कभी कभी आता है ऐसी चीज़ों में। सो अब मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ जो जो इसमें मॉडिफिकेशन करवाए हैं, एंड ये एक तो भक्ति इतनी तगड़ी भग रही है ना, मज़ा ही आ गया इसको चलाने में। सो इसको मैं साइड में लगाता हूँ एंड एक अच्छी सी लोकेशन पे, मतलब साइड में किनारे पे जहाँ पे मैं आपको एक सुकून से इसका एक रिव्यू दे पाऊँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ MT-15 यामाहा के बारे में, एंड जो छोटी छोटी ब्रांडिंग, छोटे छोटे टैटूज इसके अंदर हैं भाई, जो ग्राफिक्स इसके अंदर करवा रखे हैं, उन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सो लेट्स वॉच गाइस, वॉच, अभी तो मेरे को इतना मज़ा आ रहा है ना सच्ची में, ये आप लोगों के लिए भाई मैंने वीडियो बनाई है। एंड ये जो कलर है ना, इतना प्यारा लग रहा है ना देखने में, मतलब सच्ची में इतना प्यारा, मतलब क्या ही बताऊँ मैं इसके बारे में। सो इसको आप साइड में रोकते हैं एंड मैं आपको इसके बारे में सारी डिटेल में जानकारी दे देता हूँ कि क्या क्या इसमें चेंजेस हैं एंड क्या क्या है इसमें, क्या क्या करवा रखा है। सो इसको साइड में रोकते हैं एंड मैं पूरी एक वीडियो तैयार करता हूँ आपके लिए, एंड एंड तक तो देखना ही देखना है, मतलब सच्ची में एंड तक देखना है क्योंकि इसके अंदर ऐसे ऐसे मॉडिफिकेशन मैं आपको दिखाऊंगा ना, छोटी छोटी चीज़ें जिनसे बाइक इतनी प्यारी लग रही है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में ही देख लिया इसका लुक कितना प्यारा है, एंड वो लुक कहाँ से आ रहा है, किस चीज़ से वो लुक बन रहा है, क्या इसमें चेंजेस करवाए हैं जिससे वो लुक और बेटर लग रहा है, तो उसके बारे में ही हम लोग बात करने वाले हैं। सो अब मैं इसको छांव में लगाता हूँ एंड बात करते हैं भाई सीधा MT-15 के बारे में। तो गाइस अब लगा लेते हैं इसको कोने में यहाँ पर ही, एंड यहाँ पे मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। तो गाइस इसको खड़ा करते हैं, की को किया ऑफ मतलब बंद किया, एंड लॉक करने के बाद भाई साइड में लगा दी, एंड अब देखो भाई
ये खड़ी है अपनी एक बीस्ट। तो गाइज आपके लिए ये जो बीस्ट तुम्हारा भाई लेके आया है ना आज, मतलब ये सुपर से भी ऊपर है इस टाइम। एक तो भाई अपने पास अभी है ना MT-15 की लाइन लगी हुई है, एक के बाद एक MT-15 हमें मिल रही है भाई। मतलब क्या इतना अच्छा रिव्यू मैं देता हूँ, तो यार जल्दी से ना लाइक सब्सक्राइब तो कर ही दो, क्योंकि देखो जब चीज़ें अच्छी होती है ना तो आपके साथ भी अच्छा होने लगता है। तो मुझे लगता है कि हाँ ठीक ठाक मैं वीडियोस ठीक ठाक बना लेता हूँ। सो अभी देखो हमारे पास खड़ी हुई है, एंड ये जो नियॉन कलर इस पर करवा रखा है ना भाई, सुपर कूल लग रहा है, इतना मज़ा आ रहा है इसको सामने से देखे में। आई डोंट नो कि आपको वीडियो के अंदर देखने में कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है, बट मेरे को भाई बहुत ज़्यादा जेन्युइन कलर इसके ऊपर लग रहा है, एंड मज़ा आ गया भाई, नो वर्ड्स गाइज। और फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, इसमें ऐसे छोटे छोटे टैटू बहुत सारे करवा रखे हैं, जैसे इधर करवा रखे हैं, एंड इस साइड में आपको दिखाऊंगा, तो देखो 1 2 3 ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से ये पूरी तैयार है। सो गाइज अब देखो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। जो है रिव्यू वीडियो तो आपने बहुत सारी देखी होगी यामाहा MT-15 के लिए, ठीक है, बट जितनी भी मतलब न्यू जो है सबके रिव्यूज वीडियो देखी होंगी, बट ये फर्स्ट मॉडिफाइड वीडियो ही ज़्यादा तगड़ी लग रही है नियॉन कलर में। इसमें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, एक ये देखो गोल्डन कलर की है जो एक लाइन जा रही है ना, ये काफ़ी कूल लगती है। जब यहाँ पे बैठ के आप इस चीज़ को ऐसे देखोगे ना तो काफ़ी कूल लगती है। एंड ये ब्लैक करवा रखा है भाई ने एकदम मस्त। एंड ये देखो भाई कलर टंकी पे, मतलब टैंक के ऊपर एक करवा रखा है, पेंट करवा रखा है, एंड ये करवा रखा है। और ये ग्राफिक्स छोटे छोटे ये वाले ग्राफिक्स है ना, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कूल लगती है ये बाइक। एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो चेंज करवाने के बाद कूल लगती हैं। एक ये देखो भाई रिंग्स देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, मतलब सच्ची में एक एक लुक आता है ना अच्छा सा। ये देखो मॉन्स्टर लुक दे रखा है सामने से, एंड हर हर महादेव लिखवा रखा है, ये भी काफ़ी कूल लग रहा है। एक तो अच्छी जगह लिखवा रखा है एकदम टॉप पे, तो मज़ा आ रहा है इसको देखने में। एंड गाइस हर तरफ से मतलब जहाँ से भी आप देखोगे ना एकदम बढ़िया करवा रखा है। एग्जॉस्ट चेंज नहीं करवाया, फिर भी ये जो है ये एग्जॉस्ट का पूरा मज़ा देता है, जो मतलब कंपनी फिटेड आता है ना एकदम साइलेंसर वो वाला लगवा रखा है एग्जॉस्ट यहाँ पे, एंड ये काफ़ी कूल लगता है, ठीक है। एक ये स्पोर्ट्स का स्टिकर लगा रखा है छोटा सा, काफ़ी कूल लगता है। एंड ये पेंट करवा रखा है भाई, पूरे अलॉय पेंट करवा रखे हैं, ये भी ज़्यादा कूल लग रहा है। मतलब इसमें क्या बताऊँ, मेरे को हर चीज़ इतनी कूल लग रही है ना, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है इसको देखने में। एंड ये यामाहा का स्टिकर है जो कि कितना सुपर लग रहा है साइड से। एंड ये देखो 1 2 3 मतलब इन चीज़ों से ही बाइक इतनी खूबसूरत लग रही है, इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। एंड भाई क्या क्या इसमें मतलब इतनी तगड़ी मतलब मॉडिफिकेशन प्यारी लगती है ना, ये दूर से कुछ चीज़ें होती हैं आपको दूर से बहुत देखने में बहुत कूल लगेंगी, तो वो चीज़ें ये होती हैं गाइज, जो हम लोग कहते हैं कि ना मॉडिफिकेशन लाइक दैट गाइज। तो मज़ा आता है इस चीज़ को देखने में। एंड इसको मैं इसकी जितनी तारीफ करूँ ना, मेरे को नहीं पता यार, सामने से मेरे को तो इतनी प्यारी लग रही है, बट आपको कैसी लग रही होगी ये आप मेरे को कमेंट में बताना, ठीक है। एंड फुल्ली भाई एकदम नियॉन कलर करवा रखा है, और इतना प्यारा मतलब इतना प्यारा, इतना सिस्टम, इतना सिस्टमैटिक लग रहा है ना, चीज़ें जब सिस्टमैटिक होती है ना तो और प्यारी लगती हैं। एंड नियॉन कलर में ये इतनी अच्छी लग रही है। एंड देखो ये भी अलाव, देखो ये भी अलाव, देखो, और ये पूरा नियॉन कलर, साइड से हॉर्न लगवा रखा है स्टैंड। एंड भाई एक तो भक्ति भी बहुत तगड़ी है ये, तो मेरे को नहीं पता पर बाइक कूल लगती है। एंड ये LED चेंज करवा रखी है, LED लाइट लगा रखी है, मैं एक बार जला के दिखा देता हूँ, ऑन करते हैं। ये देखो भाई देख रहे हो, ये देखो LED इंडिकेटर्स हैं इसके साथ, ये भी ब्लिंक करता है, ये भी ब्लिंक करता है, दोनों ब्लिंक कर रहे हैं साथ में। एंड इसका फेस लुक देखोगे तो देखो ऐसा दिखता है कुछ, ठीक है। एंड हैलोजन जलाने के बाद ये जो मेन लाइट होती है ना एकदम फोकस करती है सामने की तरफ, ये भी और ज़्यादा तगड़ी लगती है। बस इसके लिए बाइक स्टार्ट करनी पड़ेगी, इसकी आवाज़ भी, इसका साउंड भी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। एंड ये फ़ोन स्टैंड लगा रखा है, और ये पूरा करवा रखा है, मतलब पूरे में ये जो कोई पेंट नहीं है, एक्चुअली मैं आपको बता दूँ ये कोई पेंट नहीं है, ये एक टेपिंग है, ठीक है, जो टेपिंग होती है ना मॉडिफिकेशन के लिए, वो टेपिंग करवा रखी है पूरे पे। एक ये गोल्डन कलर की टेपिंग, छोटी सी टेपिंग करवा रखी है, ये भी काफ़ी कूल लग रही है। एक लाइन दे रखा है ब्लैक करवाने के बाद, ठीक है। एक ये नियॉन कलर का पतला सा मतलब मज़ा आ रहा है इसको देखने में ना, अच्छा लग रहा है। ये भी टेपिंग है गाइस, ये सब कुछ टेपिंग है, बट अलॉय पे कोई टेपिंग नहीं है, ठीक है, अलॉय पे कोई टेपिंग नहीं है। और ये एडवेंचर गाइस मतलब कूल, सच्ची में कूल यार। और ये जो अलॉय हैं इनके ऊपर बस पेंट करवा रखा है, बाकी इसमें जहाँ जहाँ आप देखोगे हर जगह टेपिंग करवा रखी है, और सब कुछ टेपिंग है। एंड ये देखो भाई मॉन्स्टर, मतलब चीज़ें यार क्या बताऊँ मैं आपको, आदमी का शौक हो ना तो वो क्या क्या नहीं करवा सकता। एंड ये देखो भाई ब्लिंक कर रही है एक साथ, एंड उसके बाद ये साइड भी साइड ब्लिंक करती है। तो अभी मैं इसको पहले ऑफ़ कर देता हूँ, मैंने सोचा ऑन कैसे। एंड इसका मीटर देखो अलग से कितना खड़ा है, मतलब
तूफानी लगता है। बट ये सब मॉडिफिकेशन करवाने के लिए ना कहीं आपको अलग से बटन्स वगैरह लगानी पड़ती है, तो ये आफ्टर मार्केट लगती है, ठीक है। ये आफ्टर मार्केट लगा हुआ है, ठीक है, ये अलग से लगवाना पड़ता है, इससे ही कंट्रोल होती है आधी ज़्यादा चीज़ें। अगर आप ज़्यादा लाइटें लगवाओगे या कुछ एक्स्ट्रा करवाओगे तो ऐसी बटन है एक दो और आगे आ जाएंगी। सो कुछ नहीं होता, इससे भी कूल लगती है यार, जब चीज़ें अच्छे काम करते हो ना मज़ा आता है, तो फिर चीज़ें भी अच्छी लगने लगती हैं। सो यहाँ पे भाई जिनकी बाइक है, लोकेश भाई की बाइक है, उन्होंने अपना नाम लिखवा रखा है यहाँ पे। एंड ये फ़ोन स्टैंड भाई, ये काफ़ी कूल है, फ़ोन स्टैंड लगवा रखा है। एंड ये देखो, ये देख रहे हो, मतलब सुपर कूल भाई, सुपर कूल जिसे कहते हैं। ये देखो ऐसा मॉडिफिकेशन नियॉन कलर में चीज़ें, मतलब फ़ोटोज़ वगैरह में मैं देखता हूँ तो ऐसा लगता था कि एडिट कर देते हैं, बट एडिट वगैरह कुछ नहीं, सामने से देखने में बहुत प्यारी लगती है। एंड प्यारी क्या लगती है, प्यारी है भाई, प्यारी लग रही है ये, अभी लिटरली एकदम प्यारी लग रही है। एंड सस्पेंशन देख रहे हो वाइट है, तो मतलब कूल यार, मज़ा आ जाता है। एंड इसी के साथ का हेलमेट है तो भाई काफ़ी कूल है। यहाँ मैं आपको एक बार इसका सुना देता हूँ, जिसका एग्जॉस्ट का साउंड है वो कितना तगड़ा लगता है, मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि ये कंपनी फिटेड है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पहले इसको, तो गाइस स्टार्ट कर दिया मैंने, ठीक है। ये देखो गाइस, तो गाइस जो ये पावर जनरेट करती है ना भाई, जो ये पावर जनरेट करती है बहुत ज़्यादा तगड़ी पावर जनरेट होती है, मतलब भगती है ना तो एकदम से ही पिकअप पकड़ती है, जो टॉर्क इसका, जो पावर, एक मतलब मज़ा आ जाता है। तो आवाज़ आपने सुन ली है, एंड ये आपके सामने खड़ी है बीस्ट। सो इसका रिव्यू आपने बहुत देखा होगा, बहुत मॉडिफिकेशन का जो रिव्यू है वो बहुत कम लोग देते हैं, तो मैं आपको खाली मॉडिफिकेशन ही दिखाते हैं कि ये मॉडिफाइड हमने करवाया, बट मैं आपको मॉडिफिकेशन का एक रिव्यू देने वाला हूँ कि कितना खर्चा आया है भाई इतना काम करवाने में, ठीक है। काफ़ी जो काम है इसमें पहले से भी हो रखे हैं, इस वीडियो में जो मैं आपको दिखाऊंगा, जो काम अभी हाल ही में ही हुए हैं ना, उसका खर्चा मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड काफ़ी जो इसमें वर्क है, बहुत चीज़ों का वर्क है जो पहले से ही हो रखा था, बट अभी जो इसमें इन्होंने करवाया है, इसमें जो सिर्फ छोटे स्टार्टिंग करता हूँ छोटे से, ये जो टैटूज़ है ना, ये ऐसे ही जो छोटे टैटूज़ इन्होंने लगवाए हैं, जो ग्राफिक्स हल्के टच करवाए हैं इसमें, उसमें ही इनका 500-600 रुपये का खर्चा आया है, ठीक है। एंड 500-600 रुपये का खर्चा उसमें आया है। एंड ये जो आप टेपिंग देख रहे हो ना भाई, ये पूरा टोटल इसमें भी ऐसे ही लगा हुआ है, मतलब 5,000 या 6 अप्रॉक्स ऐसे ही लगा हुआ है। तो एग्जैक्ट मैं आपको नहीं बता सकता एग्जैक्ट, क्योंकि आप जब इसको करवाओगे भाई, आप नहीं मॉडिफाई करवाओगे MT-15, जो बंदा देख रहा है, अगर आप वीडियो देख रहे हो, आप सोच रहे हो ऐसा कुछ करवाने की, तो भाई वो आपके शॉप जहाँ पे आप करवा रहे हो वहाँ पे डिपेंड करता है कि वो आपको क्या बताता है एंड आप क्या चेंजेस करवाना चाहते हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। तो ऐसा मत सोचना कि जो एग्जैक्ट प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ उसी प्राइस में आप लोग, मतलब आप लोग करवा सकते हो इतना काम। तो इसमें बहुत सारा काम पहले से भी हुआ था, बस मैं आपको पेंट का बता रहा हूँ, जो इसके ऊपर ग्राफिक्स लगवा रखे हैं, जो पेंट करवा रखा है नियॉन कलर का, जिसकी वजह से काफ़ी कूल लग रही है। एंड छोटी छोटी चीज़ों से ही प्यारी बाइक बनती है भाई, प्यारी बीस्ट आप बना सकते हो। तो अगर आप सोच रहे हो ऐसा कुछ करवाने का ना, तो ऐसा मत सोचो कि यार बुरी लगेगी, भाई बुरा कुछ भी नहीं लगता है, आपको अच्छा लगना चाहिए, बट भाई अभी सुपर कूल लग रही है, सिनेमैटिक आपने देखा होगा। इस बाइक के बारे में मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ, बगल में मेरे बीच खड़ी हुई है जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया, एंड ये कितनी कूल लगती है आप लोग खुद देख पा रहे हो। इसमें जो मॉडिफिकेशन करवाए ना, छोटे छोटे मॉडिफिकेशन से ही प्यारी बाइक बनती है, कई बार बता चुका हूँ मैं आपको। अगर आप सोच रहे हो ऐसा कुछ करवाने के ना, तो भाई सोचो मत, जल्दी से करवा लो, जो कलर आपको पसंद आता है कि हाँ मेरी बाइक में ये बेटर लगेगा या फिर ये मुझे अच्छा लगता है, सो करवा लो चेंज, ज़्यादा कुछ नहीं होता है, आपको अच्छा लगना चाहिए। सो ये मॉडिफिकेशन मैंने आपको दिखा दिया, एंड इतनी प्यारी लग रही है नियॉन कलर में, एक बार फिर से देख लो मेरे बगल में ये, देख रहे हो मतलब कूल लग रही है। ये मेरे को सबसे प्यारे इसमें बताया, ये छोटे छोटे जो ग्राफिक्स लगवा रखे हैं ना, एक मैं इस साइड दिखा देता हूँ, जो छोटे छोटे ये करवा रखे हैं ना, ये 1 2 3, मतलब इन चीज़ों से ही मेरे को बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड लव यू गाइस। और जल्दी जल्दी यार वीडियो को शेयर कर दो, जितना हो सके उतना शेयर करो दोस्तों के साथ जो MT-15 लवर्स हैं एंड जिनको मॉडिफाई MT-15 देखना।